आज के इस वीडियो में आप लोग साथ में बाइनांस का एक ऐसा तरीका शेयर करने वाला हूं जिसमें आप सभी लोग डेली का डेली यहां पे अर्निंग कर सकते हैं। $10 से लेकर के $20, $30, $50, इवन इससे ज़्यादा भी आप लोग यहां पे अर्निंग कर सकते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप यहां पे किस टाइप से वर्क करते हैं, किस टाइप से यहां पे टाइम लगाते हैं, किस टाइप से आप लोग यहां पे अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग ऊपर डिपेंड करता है, बट आप लोग को सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देख लेना चाहिए और अच्छे से समझ लेना चाहिए। उसके बाद भाई यहां पे वर्क करेंगे तो आप लोग प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग का लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटे वॉल पे क्लिक करके, और टेलीग्राम को भाई मस्ट ज्वाइन करना है। यहाँ पे बहुत सारे लूट्स अपडेट ऑफर मैं देता रहता हूँ जो कि यहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे अर्निंग करते रहते हैं, ठीक है। फ्री के बहुत सारे यहाँ पे अर्निंग ट्रिक्स और टिप्स आते रहते हैं जो कि मैं यहाँ पे देता रहता हूँ, काफ़ी लोग यहाँ पे अर्निंग करते रहते हैं, आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम पे आकर सर्च कर लीजिएगा ऑनलाइन सपोर्ट आर के चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने का बहुत ही फायदा है, ठीक है, और फ्री में सब कुछ है, यहाँ पे कोई भी पैसे तो लगाना है नहीं यार, ठीक है। बाकी चलिए बात करते हैं कौन सा तरीका है, कैसे आप लोगों को ज्वाइन करना, क्या प्रोसेस है। अब जिस प्रोसेस के बारे में या फिर जिस तरीके के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्रेडिंग बोर्ड्स, ठीक है। बाइनांस में जो ट्रेडिंग बोर्ड होते हैं उनके माध्यम से हम लोगों को कैसे अर्निंग करना होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो इस वीडियो में आप लोग साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। अब सबसे पहले आप लोगों को मैं आपको कुछ अपना दिखाता हूँ। मैंने अभी एक ट्रेड ओपन करा था कुछ मतलब एक आधा दिन पहले का मैं किया था, अभी शायद कल किया था मुझे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे $6 के आसपास में यहाँ पे हमने अर्निंग कर लिया है, $6 हो गया है। अगर मैं यहाँ पे एंड कर दूंगा तो भाई हमको यहाँ पे $6 के पास में अर्निंग हो जाएगी, और यहाँ पे $53 हमने लगाया था, और जो कि टोटल अगर बात करें तो टोटल हमारे यहाँ पे $59 के आसपास में यहाँ पे हो चुका है, यानी कि $6 से $7 के आसपास में हमारी अभी जो अर्निंग यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को मैं पूरा बताऊंगा ट्रेडिंग बोर्ड क्या है और किस टाइप से यहाँ पे काम करता है, किस टाइप से आप लोग यहाँ पे अर्निंग करेंगे, क्या रिक्स रहेगा, कितना रिक्स रहेगा, ठीक है, और कितना डॉलर लगा करके आप डेली यहाँ पे ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, कितना अर्निंग हो पाएगा, ठीक है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में आप लोग साथ में कवर करूँगा। और मैं आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद फिर ट्रेडिंग करने जाना, अन्यथा भाई आप लोग का नुकसान भी हो सकता है यहाँ पे अगर आप गलत तरीके से कुछ भी करते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद फिर करिएगा। और बहुत सारे लोग यार अच्छे खासी अर्निंग कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता भाई उनको भी मैं पूरा बताऊंगा, बस आप लोग को वीडियो को ध्यान से देख लेना है, अच्छे से समझ लेना है भाई, ठीक है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि बोर्ड ट्रेडिंग होता क्या है। तो सबसे पहले उससे पहले आप लोग को पता होगा एक स्पॉट ट्रेडिंग होता है जो कि यहाँ पे ट्रेड पे आकर करना होता है, एक यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग होता है। स्पॉट पे क्या होता है जो कि ट्रेड पे सिंपल क्या करते हैं, हम कोई भी क्वाइन को बाई कर लेते हैं, जब वो ऊपर जाने लगता है, उसका प्राइस ऊपर जाने लगता है तो हमको प्रॉफिट होता है, जब सेल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता है। और वही क्वाइन अगर नीचे जाने लगता है भाई तो वहाँ पर हमारा नुकसान होने लगता है, ठीक है। अगर वहाँ पर सेल कर दिए तो हमारा लॉस हो गया, अगर हम सेल नहीं किए तो भाई वहाँ पर प्रॉफिट लॉस तो दोनों कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता है। और यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या होता है कि हमको क्या है, उसका लेवरेज मिलता है। अगर हमारा कोई भी क्वाइन हम यहाँ पे बाई करते हैं तो उसको हम कितने लेवरेज से ट्रेड कर रहे हैं, और जिस स्पीड से हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। हालांकि फ्यूचर ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, ये सभी का मैं वीडियो आप लोग को नीचे दे दूंगा, उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूंगा यार, काफ़ी लोग सोचेंगे स्पॉन्सर वीडियो है, स्पॉन्सर वीडियो नहीं है भाई, आप लोग को मैं जस्ट सिखाने बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ ताकि आप लोग डेली जो है अर्निंग करना चाहें, जो भी लोग करना चाहें वो आप लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे बोट ट्रेडिंग क्या होता है। बोट ट्रेडिंग बेसिकली एक प्रकार का बोट होता है जो कि हम कोई भी क्वाइन को अगर हम उस पर लगा दिए भाई कि इस क्वाइन पे हम यहाँ पे इतना पैसा, इतना डॉलर लगा दे रहे हैं, ठीक है, तो आप ट्रेड करो, तो वो क्या करेगा, ट्रेड करेगा अपने मन से करेगा कि भाई यहाँ पे ऊपर क्वाइन जाएगा तो वो मतलब सेल कर देगा, नीचे जाएगा तो फिर बाई कर लेगा, इस टाइप से वो बाई सेल करता रहता है और उसी के हिसाब से जो भी प्रॉफिट होता है वो आपका प्रॉफिट बनता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होता है, कुछ यहाँ पे कमीशन भी कट होता है तो वो सभी लोग जगह मतलब कि लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि कैसे आप लोग को करना होगा। सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ देखना होगा कि आपके स्पॉट वॉलेट में कुछ डॉलर होना चाहिए, ठीक है। जिस टाइप से ट्रेड लेंगे उस हिसाब से यहाँ पे डॉलर होना चाहिए आपके यहाँ पे स्पॉट वॉलेट में। तो आपके स्पॉट वॉलेट में USDT होना चाहिए, जैसे यहाँ पे $56 हमारा दिखा रहा है, तो आप $50 $100 जो भी रखना चाहें उसके हिसाब से रख सकते हैं, डिपेंड करता है कितना यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं, अब उसके बाद में क्या करना है, जैसे यहाँ पे आप लोग यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे थोड़ा नीचे जाने होगा, और जैसे यहाँ पे मोर सर्विस पे क्लिक करते हैं थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके मिल जाएंगे। यहाँ पे ट्रेड वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग बोर्ड और या फिर स्पॉट ग्रिड जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेडिंग बोर्ड्स पे हम यहाँ पे चले जाते हैं सिंपल इस पर क्लिक करके।
अब यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे देख लीजिए बहुत प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे बोर्ड स्लिट्स जो कि यहाँ पे स्पोर्ट ग्रिड मिल जाएगा, फ्यूचर ग्रिड मिल जाएगा, और यहाँ पे रिबेटिंग मिल जाएगा, स्पोर्ट DCA मिल जाएगा। देखिए अगर आप लोग नॉर्मल यूजर हैं और पहली बार आ रहे हैं तो आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगा स्पोर्ट वाला, ठीक है। फ्यूचर वाले में क्या है भाई, जिस हिसाब से आप लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हैं ना, सेम वैसे ही यहाँ पे है। ये फ्यूचर वाला मतलब बोर्ड रहेगा, बहुत स्पीड से आपका ऊपर प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। तो ये जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मतलब ट्रेड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए है। और यहाँ पे ये सब इतने, ठीक है। तो मैं आप लोग के साथ में जो है स्पोर्ट ग्रेड के बारे में आप लोग को मैं शेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको आएंगे स्पोर्ट ग्रेड पे, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना बहुत प्रकार के ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को मैं बता दूँ। सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करना होगा, किस कॉइन में आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कॉइन मिल जाएंगे, या फिर सर्च करना चाहें तो ऊपर से सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 inch आवे ATM जिसमें करना चाहते हैं भाई, वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए और भी चीज़ मिल जाएगी, या फिर मैं इसको थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, नहीं तो उसी पर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप लोग को तीन चीज़ें मिल जाएगा, तीनों चीज़ आपको ध्यान से देखना। एक ऑटो है, एक पॉपुलर है, एक यहाँ पे मैनुअल है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों का अलग अलग तरीके से यहाँ पे काम करेगा, तीनों बोट अलग अलग तरीके से करेगा। एक जो है देखिए ये है ऑटो वाला, ठीक है। अब जैसे ऑटो पे आते हैं तो ऑटो पे क्या होगा कि आप लोगों को क्या है ना कि यहाँ पे आपको फंड बस यहाँ पे डाल देना होगा, ठीक है। और कितने दिन के लिए लगा रहे हैं वो आप लोगों को डायरेक्शन सेलेक्ट करना होगा, और किस पेयर में आप करना चाहते हैं, ठीक है। ये पेयर आपको सेलेक्ट करके और यहाँ पे आपको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे भाई कितना फंड लगा रहे हैं वो लगा करके आप लोग छोड़ देंगे। तो यहाँ पे जितने दिन के लिए लगा रहेंगे उस दिन में ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये बाई करेगा, सेल करेगा, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा या फिर दिखेगा। और यहाँ पे पॉपुलर पे बात करें, पॉपुलर पे अगर आते हैं तो यहाँ पे ना कुछ और भी यहाँ पे सेक्शन बने हुए हैं या फिर बोर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे अपना जो है बोर्ड बना करके रखे हैं, जिसमें कि जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो बोर्ड है इसमें 6 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए 0 लोग पार्टिसिपेट किए हैं। और यहाँ पे देखिए ROI जो है कितना यहाँ पे परसेंटेज ये दे रहे हैं, कितना पेनल हो रहा है, और कितने दिन के लिए रूटीन इनका है, ठीक है। मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगेगा वो सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आप इसके माध्यम से कभी करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से कर सकते हैं। जिस कॉइन में करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे कॉइन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे आपको मिल जाएगी जिसमें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके हिसाब से आपका फंड है उसके हिसाब से कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखिए मैनुअल एक भी जगह मैनुअल पे अगर आते हैं तो यहाँ पे ना आप लोग को 2 चीज़ मिल जाएगा, एक प्राइड मतलब कि जो है लोअर प्राइस और यहाँ पे अपर प्राइस, ठीक है। लोअर और अपर प्राइस का मतलब ये हुआ, लोअर का मतलब नीचे और अपर का मतलब हुआ ऊपर। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये मतलब ना कि यहाँ पे आप जो यहाँ पे मैनुअल लगाने वाले हैं तो जैसे जो यहाँ पे प्राइस चल रहा है 0.2554, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो भी मेन क्या बोलते हैं लोअर प्राइस, तो लोअर प्राइस हम क्या हमें डालेंगे, देखिए हम यहाँ पे सेट करना होगा हमको कि यहाँ पे 2 उसके बाद फिर 4 या फिर जितना भी, जैसे आप मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 0.24 लिख दिया, तो जैसे ही 0.24 पे अगर प्राइस आता है ADA का तो क्या करेगा ये बोट, क्या करेगा बाई कर लेगा ADA का। और यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस या फिर अपर प्राइस मैं डालूंगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने 0.26 डाल दिया, तो जैसे इतना प्राइस होगा ना तो ऑटोमेटिक क्या होगा सेल हो जाएगा, बोर्ड क्या करेगा सेल कर देगा। और यहाँ पे ग्रिड क्या है, अगर मान लीजिए 1 ग्रिड 2 ग्रिड 4 ग्रिड जो भी यहाँ पे डालते हैं, जितना ग्रिड डालेंगे ना उतना बार यहाँ पे ट्रेडिंग करेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 ग्रिड डाल दिया तो एक बार बाई किया फिर एक बार सेल कर दिया, एक बार बाई कर दिया एक बार सेल किया, तो ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे 2 ट्रेड एक ही साथ ले सकता है या फिर बारी बारी से ले सकता है, ठीक है। इस टाइप से लेगा और यहाँ पर कितना फंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कितना फंड लग रहा है उसके ग्रिड के हिसाब से यहाँ पे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 ग्रिड लगाता हूं तो यहां पे $20 बता रहा है, $20 से ज्यादा यहां पे लगाना होगा। अब यहां पे अगर मैं यहां पे 5 ग्रेड लगाता हूं तो 5 ग्रेड के हिसाब से यहां पे $36 के आसपास से हो गया, ठीक है। और यहीं पे अगर आप मैं यहां पे ज्यादा लगाता हूं 10 कर देता हूं तो यहां पे देखिए ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से जितना होगा उसके हिसाब से यहां पे आपको फंड लगाना होगा। उसके बाद फिर यहां पे आपको नीचे और भी आ जाएगा, ग्रिड ट्रिगर और स्पोर्ट स्टॉप ट्रिगर और यहां पे सेल, ठीक है। तो यहां पे ग्रिड ट्रिगर मतलब कि जितना आपका मतलब कि प्रॉफिट कितना तक लगाना चाहते हैं वो, और स्टार्ट ट्रिगर मतलब कि कितना तक जान किस प्राइस पे जाने के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका जो बोट है वो बंद हो जाए काम करना। हालांकि मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस सेट कर रहा हूँ तो भाई उसके हिसाब से जितना भी होगा उसके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से अगर आप लगाना चाहें तो इसमें मैनुअल भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप लगाना चाहें सोचते हैं यार कि हमें मैनुअल हमको नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे पॉपुलर में आ करके यहाँ पे जो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे है उसके हिसाब से देख सकते हैं। या फिर दूसरे कॉइन में करना चाहते हैं तो दूसरा कॉइन भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे LTC कर लेता हूँ, अब LTC मैंने कर लिया तो यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसमें ही कोई करना चाहते हैं, ठीक है, इस वाले में तो यहाँ पे $25 मिनिमम है, तो यहाँ पे इसमें आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कितना प्राइस
चल रहा है अभी समय 63 चल रहा है, तो यहाँ पे 62 जैसे आएगा ये खरीद लेगा, 68 जाएगा तो ये सेल कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक यहाँ पे है, यहाँ पे जो नॉर्मल मतलब पहली बार जो लोग कर रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं तो अरिथमेटिक ही करिएगा, और जियोमेट्रिक वो लोग को समझ में नहीं आएगा, जो लोग थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ट्रेडिंग उन्हें कर रहे हैं उनको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हैं। और यहाँ पे आपको फंड कितना लगाना है वो आपको फंड यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, आप कम ज़्यादा जो भी करना चाहते हैं, जितना फंड यहाँ पे रिक्वायरमेंट है उतना आप फंड लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं इसको ही कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या किया, यहाँ पे मैंने क्रिएट किया और यहाँ पे कंफर्म कर दिया, ठीक है। अब जैसे मैं कंफर्म कर दिया, ब्यू डिटेल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो यहाँ पे लग चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे देखिए यहाँ पे LTC और USD के पेयर में लग गया है, और हमारा यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है वो यहाँ पे दिखेगा, फ्लोटिंग प्रॉफिट जो यहाँ पे कुछ दूसरा प्रॉफिट टाइप का दिखाता है, और यहाँ पे कितना परसेंटेज आपका ग्रेड चल रहा है वो चीज़, ठीक है। और इस टाइप से यहाँ पे आपका कितना ग्रेड है, कितने बार ये बाई सेल करेगा, बाई सेल इस टाइप से करेगा, उसके हिसाब से प्राइस रेशियो जो है इसमें सेट कर दिया गया है, इस हिसाब से यहाँ पे आपका जो है वो होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जैसे हम अगर मान लीजिए इसको हम बंद करना चाहते हैं और क्लोज करना चाहते थे, एंड पे यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे एंड पे जैसे क्लिक करेंगे और एस प्लीज़ हेल्प मी टू सेल इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ पे हम कन्फर्म कर देंगे और हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा सेल पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टाइप से कर दिए, और यहाँ पे देखिए हमारा जो ट्रेड हमने लगाया था वो यहाँ पे सेल हो चुका है। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे ट्रेडिंग बोर्ड के माध्यम से ट्रेडिंग कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और देखिए आप लोग अगर नए हैं तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग पॉपुलर या फिर मैनुअल के माध्यम से करें। मैनुअल में क्या होगा भाई, आप अपने खुद प्राइस डालेंगे, आप लोग देखिए प्राइस डालने का सिंपल सा तरीका है, देखिए जितना प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा कम डालिएगा, और जो कि मतलब यहाँ पे ट्रिगर या फिर अपर जो प्राइस है वो थोड़ा ज़्यादा आप लोग को डालना होगा, ठीक है। मतलब कम प्राइस इस प्राइस पर आए तो बोट ऑटोमेटिक बाई कर ले, और ये प्राइस जैसे आए बोट ऑटोमेटिक सेल कर दे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे ग्रिड में जो है आप लोग जितना ग्रिड रखना चाहते हैं 3-4-5 जो भी रखना चाहते हैं, जिस हिसाब से ग्रेड रखें, जितना ज़्यादा ग्रेड रखेंगे उतना ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे अमाउंट लगने वाला है, राइट, ये चीज़। और यहाँ पे अगर आप लोग पॉपुलर करेंगे तो पॉपुलर पे क्या होगा कि ऑटोमेटिक यहाँ पे प्राइस सेट किया गया है, किसी भी को आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। हालांकि ये जो प्राइस ऊपर दिखाया गया है या फिर लिखा गया है, इससे आप लोग एडिट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ओके। और यहाँ पे इसमें भी जो ग्रेड है इसको भी आप हटा बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे ऊपर जो है इसमें आप लोग जो भी पेयर आप लगाना चाहते हैं, जिस पेयर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं बोर्ड वॉलर, वो यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से, जिसमें आप करना चाहते हैं, जिस कॉइन में करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, बस आपके पास में फंड वगैरह होना चाहिए, ओके। तो ये सभी चीज़ें हैं। और बात करें भाई कि यहाँ पे कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो कोई यहाँ पे फिक्स नहीं है, डेली का अच्छा खासा भी कमा सकते हैं, हो सकता है कि एक दिन में कुछ भी अर्निंग ना हो, दूसरे तीसरे दिन आपका मतलब अर्निंग हो, ठीक है, मार्केट के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और फर्स्ट टाइम अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में आप लोग कम फंड के ही साथ में करिए, मिनिमम $50 से आप करना चाहें तो, ज़्यादा मात्रा में बोट ऐसे हैं जो कि $40-50 से आप लोग का जो बोट है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो $40-50 से आप लोग बोट ट्रेडिंग जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग का अच्छा रिजल्ट आता है, प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाता है, तो फिर भाई क्या है कि आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट धीरे धीरे आप यहाँ पे करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और बाकी यहाँ पे देखिए आप लोग किसी भी कॉइन में लगा देंगे, ऐसा नहीं जो कॉइन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जो आप लोग को नज़र में अच्छा आता है, जिसका मार्केट कुछ अच्छा खासा है, उस कॉइन को लगाएंगे तो अच्छा आप लोग को प्रॉफिट देगा, ठीक है। और यहाँ पे रिस्क की बात करें तो रिस्क देखिए बहुत ज़्यादा नहीं रिस्क है, लेकिन फिर भी थोड़ा यहाँ पे रिस्क होता है, कभी कभी क्या है कि ये माइनस में भी जाने लगता है, भाई ट्रेडिंग है तो माइनस प्लस दोनों जाएगा, ठीक है। तो अगर माइनस में जाएं तो ये है नहीं कि मतलब तुरंत आपने क्लोज कर दिया, भाई क्लोज कर देंगे तो वहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा, आप लोग को वेट करना है, मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा आप लोग को देखना होगा, समझना होगा, उसके हिसाब से करना होगा, ठीक है। ट्रेडिंग में प्रॉफिट लॉस होता रहता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट होने का चांसेस यहाँ पे रहता है बोट ट्रेडिंग। तो आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में स्पोर्ट ग्रेड के बारे में पूरा जानकारी मैंने दिया, कैसे आप लोग को यहाँ पे अर्निंग करना है, किस टाइप से अर्निंग करने होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जो कि बाइनेंस में आप लोग यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो कि सेफ और सिक्योर है, तो इस टाइप से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। बाकी इस सभी के बारे में बाद में बात करेंगे, जब भी होगी तो होगी, ठीक है। बाकी स्पोर्ट ग्रेड के बारे में जो भी चीज़ें आप लोग को समझ में नहीं आया या फिर कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा, कैसा वीडियो था, कैसा आप लोगों को लगा, या फिर आप लोग इसके पहले आप लोग बोट ट्रेडिंग करते थे या फिर नहीं करते थे, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहें, सीखते रहें और पैसे कमाते रहें। थैंक यू सो मच।